और बात कर लेते हैं बिहार की। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की हार से उबर रहे नीतीश कुमार ने अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की योजना तैयार की है। उनका कहना है कि 2024 में विपक्ष का तीसरा नहीं बल्कि मुख्य मोर्चा होगा। नीतीश कुमार मानते हैं कि अगर सारी पार्टियां एक साथ आ जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। उन्होंने बिहार में उनकी पार्टी जेडीयू की सीटें कम होने के लिए एक बार फिर से बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। वे मीडिया पर भी बरसे। उन्होंने कहा कि हम कुंडनी हारे, इस पर चर्चा खूब हो रही है, लेकिन वे दो राज्य हार गए, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। हालांकि बीजेपी ने नीतीश कुमार पर इसके बाद पलटवार भी किया है। अरे कौन आता कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है, अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो हम करते रहे, अपना कोशिश कर रहे, मेरा बदला मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात तो नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमको क्या। लेकिन हम तो अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे और सब तरह से बात करते रहेंगे, सब लोगों को ध्यान देना है। लेकिन हम लोगों को तो जिन जगहों पर भी काम करना है और बहुत ही ईमानदारी से एक काम करना। देखिए 2024 तो उनको भूल जाना चाहिए, आप 2029 की अगर तैयारी करना चाहे तो कर सकते हैं। विपक्ष कभी ना एक हुआ ना कभी एक होगा, ना आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक मंच पर आएंगे, एक मंच साझा करेंगे, ना मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ना ममता बनर्जी कांग्रेस एक मंच पर आ सकते हैं। तो इसलिए ये तो केवल मीडिया में बने रहने के लिए, अखबारों में छपने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। फिर नीतीश जी की सलाह को कौन मानने वाला है, जो अपने राज्य में 44 सीट मुश्किल से जिता पाए, जो दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन में जिनकी सारी सीटें जिन पर जमानत जब्त हो गई और वो सलाह दे रहे, तो उनकी सलाह को कौन मानने वाला है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो हमारे साथ प्रकाश चंद्र शर्मा है, नेता बीजेपी, और साथ ही लव कुमार जी हैं, नेता जेडीयू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले लव कुमार जी, आपके पास आऊंगा। अभी हाल ही में दो उपचुनाव जो है विधानसभा के हार गए हैं जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा, तो उनकी बात छोड़ करके अब सीधे 2024 की बात हो रही है। देखिए अखिलेश जी, चूंकि मुख्य मुद्दा 2024 ही है, जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र का हनन हुआ है, लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो वो है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के सत्ता से हटाना। और नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति अगर इस बात के लिए निकले हैं तो नीतीश कुमार के पास अनुभव भी है, कार्य करने की क्षमता भी है, और नीतीश कुमार ने भविष्य में दिखाया भी है कि गठबंधन की सरकार को कैसे चलाया जा सकता है। और नीतीश कुमार इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो 17 सालों तक गठबंधन को बखूबी निभाए हैं और गठबंधन की सरकार चलाए हैं, और इकलौते नेता हैं इस देश में अखिलेश जी जो केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और राज्य में भी काम करने का उनको अनुभव प्राप्त है। और उनके अनुभवों का लाभ अगर विपक्ष लेगी, देखिए पिछले बार भी सारे विपक्ष के लोग थे, सिर्फ एक नीतीश कुमार जी ही थे जो केंद्र में साथ में थे अटल बिहारी इनके नरेंद्र मोदी के। और जैसे ही नरेंद्र मोदी का साथ और भाजपा का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा है, तब से देखिए आप विमर्श का विषय यहाँ पहुंच गया है कि 24 के बाद कोई आ गया है जो इनको सत्ता से बेदखल करेगा। जी प्रकाश जी, आपने कहीं सुना, कह रहे कि सारी पार्टियां विपक्षी पार्टियां एक हो जाएंगी तो बीजेपी को हरा देंगे 2024 में। अखिलेश जी, देखने वाली बात है कि नीतीश जी अपने पास्ट में फंसे हुए व्यक्ति हैं और वो इतने ज्यादा फंसे हुए कि वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। पहली बात, अब विपक्ष के लिए केजरीवाल जी भी निकले हुए हैं, नीतीश कुमार अलग निकले हुए हैं, कांग्रेस में राहुल गांधी अलग निकले हुए हैं, तमाम लोग निकले हुए हैं, लेकिन देखने वाली बात है इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण है, अभी सामने में दो विधानसभा उपचुनावों का आपने जिक्र किया जिसमें जनता इनको नकार चुकी है, महागठबंधन होने के बावजूद, वोट शेयर होने के बावजूद, तुष्टीकरण की राजनीति होने के बावजूद, तो जनता जहां अपना मूड बना चुकी है वहां अगर ये सपना देख रहे हैं, एक जगह जहां एमसीडी में इनकी अपनी जमानत जब्त हो चुकी है, एक जगह जहां इनके साथ लोग रहना नहीं चाहते हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनको इन्होंने पलटी मारने में भी तो दो जगह अभी हार गई, हिमाचल प्रदेश में सत्ता चली गई, एमसीडी में आपकी सत्ता चली गई। अखिलेश जी बिल्कुल हार गई और इसका एनालिसिस होना चाहिए, और एनालिसिस भी हमारे सामने है जहां हमने बहुत स्पष्ट तरीके से देखा है कि बीजेपी ने अपना कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस को मेंटेन किया है, वोट शेयर कहीं ना कहीं उनका बढ़ा है और लोगों ने उस तरह से नहीं नकारा है जनता ने। ठीक है, हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल में वोट शेयर हमारा काफी कम है, एमसीडी की बात करें, एमसीडी में हमारा वोट शेयर बढ़ा है,
देखने वाली बात है कि विपक्ष की पार्टियां बी सी डी टीम बनके एक दूसरे को सपोर्ट करती है अपने मैकेनिज्म के हिसाब से। नीतीश जी अगर इतनी बड़ी विचारधारा के हैं, इन्होंने क्यों नहीं वहां डिंपल यादव के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा? देखने वाली बात है, डेटा हमारे सामने है, हम डेटा एनालाइज क्यों नहीं करते हैं? जनता डेवलपमेंट के नाम पे थंपिन मेजोरिटी के नाम से जो गुजरात में 27 साल के बाद एंटी इनकम्पेंसी नहीं आ पाई, और जहां आप नीतीश कुमार जी की बात करें, इन्होंने 2019 का इलेक्शन रहा और उसके पहले इन्होंने जो सरकार बनाई बीजेपी और मोदी के नाम पे वोट मिला, इनको कितने लोग वहां पे बिहार में लाइक करते हैं। तो मोदी जी के नाम पे सत्ता में आने के बाद अपनी कन्वीनियंस की राजनीति के हिसाब से कि साहब पहले देवगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी कम नंबर्स होने के बावजूद प्रधानमंत्री बन गए, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? तो परिवारवाद की राजनीति बढ़ाने के लिए राजद ने इनको एक झांसा दिया कि तेजस्वी को प्रमोट करना है और ये पीएम के नाम पे वहां गए। यही सवाल लव कुमार जी से पूछते थे। लव कुमार जी, जो बात कह रहे हैं नीतीश जी की एक ही मोर्चा होगा, वही मुख्य मोर्चा होगा 2024 में विपक्षी पार्टियों का, लेकिन हम जब देखते हैं कि जब भी इस तरह के मोर्चे के बनने की बात होती है तो इसी बात पर आकर के बात टूट जाती है कि नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भी लाइन में लगी हुई है, नीतीश जी भी लाइन में लगे हुए हैं, राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा पर ही निकले हुए हैं, उधर आम आदमी पार्टी कहती है कि सबको छोड़ दीजिए, हमें ही देखिए। अखिलेश जी, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी सिर्फ एकमात्र आदमी है जो पिछली बार इनके गठबंधन में थे और आज इनके गठबंधन में नहीं है। विपक्षी पार्टियां पहले भी लड़ी है इनके साथ, नीतीश कुमार जी जिस दिन से बाहर निकले हैं निश्चित तौर पे विमर्श ये शुरू हो गया है कि नीतीश कुमार कोई मोदी को टक्कर देने वाला निकल गया है। और नीतीश कुमार जी का अनुभव है, नीतीश कुमार ने 89 में केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में काम किया जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि लंबे रेस का घोड़ा है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में परिवहन और रेल मंत्री जैसे बड़े मंत्रालयों को बखूबी निभाया है, और उसके बाद आज जो दौर है बिना गठबंधन के कोई मोदी को नहीं हरा सकता, और गठबंधन को सबसे अच्छे ढंग से चलाने का अगर किसी एक व्यक्ति के पास अनुभव है तो है नीतीश कुमार। और देखिए चर्चा ये जिस तरह से बुरी तरह से हारे, आप हिमाचल में हारे, एमसीडी में हारे, इनकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में दो दो जगह हारे, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। कुढ़नी के जीत से बड़ा उत्साहित है, तो कुढ़नी एक जीत जाने से बीजेडी वहां उड़ीसा में हारे। लेकिन आप कैसे हार गए कुढ़नी में, ये भी तो बताइए, क्योंकि आपकी सरकार थी, नीतीश जी वहां प्रचार करने के लिए भी गए थे। नहीं बिल्कुल अखिलेश जी, उसके हार के हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, हार निश्चित कोई व्यक्तिगत कारण है, वहां पर लोकल कारणों से हमारी हार हुई है, उम्मीदवार और इससे लोगों में नाराजगी थी, हम उसको समझा नहीं पाए। लेकिन वो देखिए कोई सरकार का लिटमस टेस्ट नहीं था, जहां भी लगता है जैसे इसके पहले दो उपचुनाव हुए आपने देखा होगा जो कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हुआ, जहां सरकार थोड़ी बहुत भी इधर उधर होनी होती है तो बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ खड़ी रहती है। और अखिलेश जी एक सेकेंड, ये गुजरात में जो जीत है वो किसी एंटी इनकम्बेंसी और इसकी जीत नहीं है, गुजरात वासियों को लगा कि हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार छीन जाएगा इसलिए उन्होंने उतना बहुमत किया। जैसे ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा बिहार के 40 की 40 सीटें हमारे झोली में रहेगी और साथ में झारखंड और उत्तर प्रदेश। शायद यही रणनीति है जेडीयू की, इसलिए बार बार 2024 की बात की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें झोली में डाल सके महागठबंधन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लव कुमार जी, प्रकाश चंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।